हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर मोशन का अगला टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशंस। बच्चों, इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, स्पीड के टाइप्स, वेलोसिटी, वेलोसिटी के टाइप्स, एक्सेलरेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अलग अलग टाइप के मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो भी हम लोग पढ़ चुके। अब आती है बारी कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने की इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका डेरिवेशन दोनों तरीके से, एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। जनरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा ग्राफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफिकली किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने का। तो हम लोग एक एक करके हम लोग उस इक्वेशन ऑफ मोशन को समझेंगे, उसको डिराइव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह उसको देखेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं और वहाँ पे हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब तक जो हम लोग क्वांटिटी पढ़े वो क्या क्या था, तो एक एक करके बोले। तो वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में मतलब कि वो क्वांटिटी, सबसे पहले डिस्टेंस पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का एक और टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर डिसेलरेशन बोलते हैं। यानी कि यदि हम लोग गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, यानी कि स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इसके अपोजिट यदि हम लोग गाड़ी को ब्रेक लगा रहे हो, गाड़ी रुक रहा होता है, यानी कि स्पीड कम हो रहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग अभी जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूला किसके किसके बीच होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी जिसको हम लोग यू एंड वी से डिनोट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में हम लोग पढ़ चुके जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट किसी मोशन को स्टार्ट करता है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, उसको यू से डिनोट करते हैं, और जिस वेलोसिटी पे जर्नी एंड होता है, मोशन एंड होता है, वो फाइनल वेलोसिटी कहलाता है, उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन ए से डिनोट करेंगे, और इन सब के साथ एक और है टाइम। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वाला न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके हैं, स्पीड के कई सारे टाइप, एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके हैं। अब बारी है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, इन सबको मिला के न्यूमेरिकल। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाए तो अभी का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसपे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पहला v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब एक एक करके इन सारे फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और उसको उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए केवल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन काफी है। एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस u, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके v माइनस u डिवाइड बाय t बोलते हैं, यानी कि
ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू या फिर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, केवल एक्सलरेशन का डिफिनेशन, और उसी डिफिनेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप के हो सकते हैं, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सलरेशन और टाइम। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा है, किसी स्पीड से वो, किसी वेलोसिटी से वो स्टार्ट किया जर्नी और कुछ टाइम के बाद वो कुछ वेलोसिटी गेन करता है, तो वहां से हम लोग एक्सलरेशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर एक्सलरेशन दिया हुआ है और वो वेलोसिटी दिया हुआ है तो टाइम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये चार क्वांटिटी है, इस चार क्वांटिटी में कोई भी तीन दिया हुआ है तो हम लोग चौथा कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला। अब दूसरे फॉर्मूला पे आते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है ये हम लोग को पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। यानी कि डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना हो तो स्पीड इंटू टाइम से फाइंड कर सकते हैं। तो फिर स्पीड कौन सा स्पीड लें, यहाँ पे यू है तो स्पीड के लिए हम लोग एवरेज स्पीड लेते हैं, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग को पता है। यहाँ पे बात वेलोसिटी की हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग लेंगे, तो हम लोगों को पता है वी नो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अभी हम लोग यहाँ पे लीनियर मोशन है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सबके लिए मतलब कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ चेंज हो जाएगा और सबको अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट ही के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई टू होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इन टू टाइम होगा, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग जो फॉर्मूला है उसमें वेलोसिटी नहीं रखना है, तो वेलोसिटी नहीं रखना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला इससे पहले हम लोग निकाल चुके कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो इस v के जगह पे u प्लस ए टी रखते हैं तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो u प्लस v के जगह u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इन टू टी। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, u प्लस यू टू यू, टू यू प्लस, और t से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब हम लोग सेपरेटली टू से डिवाइड करें इस दोनों को तो हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा, एस इज इक्वल टू टू यू टू डिवाइड बाई टी, टू इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ए टी स्क्वायर बाई टू, या उसको हम लोग वन बाई टू इंटू ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वाला दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद आते हैं तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो उसको भी अप्रूव कर लिया जाए। इस वाले क्वेश्चन में भी वही सारा चीज है, यानी कि क्या, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे फिर से किसके किसके बीच में रिलेशन है, तो डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड, टाइम एंड एक्सेलरेशन, फिर से चार क्वांटिटी, और उस चार क्वांटिटी में कोई भी तीन दिया हुआ रहे तो चौथा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग के पास पांच अननोन क्वांटिटी हैं और उस पांचों के बीच में तीन इक्वेशन हैं, और इस तीनों इक्वेशन में जिस तरह का सिचुएशन होगा हम लोग बाकी सारे पार्ट्स उसके निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। अब आगे आते हैं हम लोग तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो उस इक्वेशन को भी प्रूफ किया जाए। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें हम लोग दो पढ़ चुके, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तीसरा इक्वेशन यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए सी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो पहला इक्वेशन लिखे उस इक्वेशन को लिखते हैं, यानी कि क्या, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन को हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस प्रूफ करना है, तो v स्क्वायर दिख रहा है, v भी दिख रहा है, u भी दिख रहा है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो स्क्वायर करने पे क्या हम लोग को मिलेगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे टूट जाएगा, यानी क्या होगा, तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू ए टी। अब फॉर्मूला के हिसाब से वी स्क्वायर भी है हम लोग के पास, यू स्क्वायर भी है, अब यहां पे चेक करते हैं कि क्या है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, तो इसको अरेंज यदि करें तो ऐसा लिख सकते हैं, पहले इसको लिख देते हैं टू यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यदि इस ए स्क्वायर टी स्क्वायर को हम लोग टू से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी यदि हम लोग इसको इनटू टू डिवाइड बाय टू लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये टू और टू कैंसिल भी हो सकता है, वैल्यू वही रहने वाला, अनचेंज रहेगा, लेकिन अब कॉमन लिया जा सकता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहां से टू और ए कॉमन लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा, तो केवल ut प्लस यहां पे 2 कॉमन लिया जा चुका, a कॉमन लिया जा सकता है, वन टाइम a है, यानी कि a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यदि इसको देखा जाए तो ये दूसरे वाले फॉर्मूला दिख रहा है, उसका राइट साइड है, यानी कि इस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के जगह पे हम लोग s रख सकते हैं, तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, तो टोटल तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों हम लोग प्रूफ कर चुके अलजेब्रिकली, इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स ढेर सारे होंगे, और उस न्यूमेरिकल में बस वही पांच क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम एंड एक्सेलरेशन। इसमें से जो भी क्वांटिटी दिया हुआ होगा और वो मिनिमम तीन क्वांटिटी दिए हुए होंगे और चौथा कैलकुलेट करना होगा, तो तीन इक्वेशन में से जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जिस भी इक्वेशन के वैल्यू वहां पे होंगे,
उस इक्वेशन को अप्लाई करके हम लोग वो चौथा क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकली भी प्रूफ करेंगे। ग्राफिकली भी इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको ग्राफिकली प्रूफ करना। अब ग्राफिकली कैसे प्रूफ करेंगे? तो ग्राफिकली प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें इनिशियल स्पीड भी हो, फाइनल स्पीड भी हो, एक्सलरेशन भी हो, टाइम भी हो, वो सारा चीज। तो जो हम लोग का वेलोसिटी टाइम, ये सारे क्वांटिटी केवल वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड हो सकता है, एक्सलरेशन नहीं फाइंड हो सकता। यदि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लें तो वहां से वेलोसिटी फाइंड होगा, लेकिन एक्सलरेशन फाइंड नहीं हो सकता। तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच के देखते हैं। तो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ चुके कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा उससे हम लोग को डिस्टेंस मिलेगा और उसके स्लोप से एक्सलरेशन मिलेगा। तो इसलिए हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ होगा, एक्सलरेशन भी होगा, और उस ग्राफ को, उस ग्राफ से हम लोग बाकी सारे चीज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ। तो उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन और तीसरा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और इस तीनों को हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो सबसे पहला ये हम लोग को पता है कि जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग टाइम एक्सिस टाइम हम लोग लेते हैं, तो ये टाइम टी, और दूसरा जो वाई एक्सिस है उसमें हम लोग उसको वेलोसिटी मानेंगे, तो वेलोसिटी भी। और ग्राफ हम लोग पढ़ चुके कि ग्राफ यदि, तो ग्राफ में यहाँ पे इनिशियल स्पीड भी कुछ लेना है हम लोग को। यदि इनिशियल स्पीड जीरो हो तो ग्राफ ओरिजिन से इंक्लाइंड होता है यदि कुछ एक्सलरेशन हो तो, लेकिन यदि ग्राफ वेलोसिटी हो, यदि मतलब कि जो मोशन हो रहा है, मोशन यदि किस कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उस इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ होगा वेलोसिटी, वो मान लेते हैं हम लोग यू है, तो यू इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे एक्सलरेशन है इसलिए इसका ग्राफ इंक्लाइंड होगा, तो इंक्लाइंड ग्राफ कुछ इस टाइप से। तो ये हम लोग का एक ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक मोशन को शो कर रहा है जिसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है और वो कुछ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी भी हो जाता है। इसको हम लोग भी बोल देते हैं, इसको यू बोल देते हैं, और ये हम लोग ये मान लेते हैं कि ये आफ्टर टी टाइम हो रहा है। टी टाइम के बाद इसका स्पीड, इनिशियल स्पीड यू से फाइनल वेलोसिटी भी हो जाता है। तो यदि हम लोग इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ में क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर खींचे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये यू है तो ये वाला पॉइंट भी यू होगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस यू के इक्वल और ये वाला डिस्टेंस वी के इक्वल। अब यदि इस ग्राफ का हम लोग नाम कुछ बोल रहे हैं, यानी कि इस यू पॉइंट को ए से डिनोट कर देते हैं, इसको बी से, ये पॉइंट को पी से बोल देते हैं और इसको क्यू बोल देते हैं। तो सबसे पहला एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। जो वीटी ग्राफ होगा उसका स्लोप, और ग्राफ यहाँ पे यू ए से लेके बी तक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी।
अब AB का स्लोप क्या है, तो स्लोप का मतलब हो गया कि उसका y वाला पार्ट और उसका डिवाइडेड बाय x वाला पार्ट, यानी कि y एक्सिस बाय x एक्सिस। तो हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू y एक्सिस क्या है हम लोग का, तो B से लेके इसको हम लोग PQR बोल देते हैं, तो BR डिवाइडेड बाय AR। BR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो BR को हम लोग PB डिवाइड बाय PR लिख सकते हैं, तो PB माइनस PR डिवाइडेड बाय, और AR को हम लोग OP लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये साइड इक्वल, इज इक्वल टू PB कितना है, तो PB यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यानी कि भी, तो भी माइनस PR यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यानी कि U, और डिवाइड बाय AR का मतलब AP का मतलब OP T, यानी कि A इज इक्वल टू भी माइनस U डिवाइड बाय T। और यदि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो फिर से हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा भी इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये हो गया इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना। अब उसके बाद सेकेंड वाले इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करते हैं। तो सेकेंड वाले को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो सेकेंड वाला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यहाँ पे s है, s का मतलब डिस्टेंस है यहाँ पे, और डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइन करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एरिया किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, तो उससे जो एरिया हम लोग को मिलेगा उस टाइम इंटरवल का, उससे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो सकता है। तो इसके हम लोग एरिया फाइंड के लिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व, और यहाँ पे एरिया क्या है, तो एरिया यहाँ पे एक वीटी कर्व के अंदर ये पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इस पूरे पार्ट को हम लोग एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगॉन, और ये पॉलीगॉन कौन सा है, तो ओ पी बी ए। या फिर इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी आर ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कौन सा, तो बी ए आर। अब यदि हम लोग इस दोनों का एरिया अलग अलग निकालें, तो इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और इसका लेंथ यहां से यहां तक का है, तो लिख सकते हैं हम लोग ओ पी इनटू, और हाइट इसका यहां से यहां तक का है यानी कि पी आर, प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, और बेस इसका ये है ए आर, इनटू हाइट इसका बी आर, इज इक्वल टू, अब सारा वैल्यू रखें तो ओपी का वैल्यू कितना, तो OP का वैल्यू T और PR का वैल्यू U, तो इसको हम ले सकते हैं U into T प्लस 1 by 2, AR कितना, तो AR का वैल्यू T है into BR का वैल्यू B माइनस U, और यदि हम लोग B माइनस U को T से डिवाइड कर दें और T से मल्टीप्लाई भी करें, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डिवाइड बाय T into T, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको, लेकिन इससे ये फायदा हो गया कि ये वाला टर्म एक्सीलरेशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
इसके जगह पे a और ये t इंटू टी टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये था ग्राफिकली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूफ करना। अब इसके बाद एक और है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब यदि इसको भी हम लोग को ग्राफिकली प्रूफ करना हो तो इसके लिए भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से इसका एरिया फाइंड करना होगा, लेकिन इस बार एरिया हम लोग अलग अलग ना फाइंड करके, ये एक ट्रैपीजियम के शेप का है तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रैपीजियम फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम फाइंड करते हैं, इसी को बनाते हैं। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी कर्व, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एस, और एरिया ऑफ हम लोग यहां पे लिखते हैं ट्रैपेजियम, और ट्रैपेजियम कौन सा, तो ओ पी बी ए, और ट्रैपेजियम का एरिया हम लोग को पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इसके पैरेलल साइड्स कौन से हैं, तो ये लाइन और ये लाइन एक दोनों एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ओ ए प्लस पी बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कितना, तो ओ टी। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू ओ ए का वैल्यू कितना, तो ओ ए यू के इक्वल है यू, प्लस पी बी का वैल्यू की क्या, तो पी बी भी इक्वल है तो भी, और ओ पी पी के इक्वल है, लेकिन ओ पी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो ओ पी को हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किए वहाँ से पी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू यू प्लस भी या भी प्लस यू लिख देते हैं, और टी को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू भी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, तो भी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अब यदि इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी प्लस यू और भी माइनस यू, ये कुछ फॉर्मूला पे दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, और उस फॉर्मूला हम लोग को याद है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू ए, और ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग को आया। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो टू ए एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इस यू स्क्वायर को भी इधर ले आए तो हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये तीनों इक्वेशन का हम लोग दोनों तरीके से प्रूफ पढ़ लिए, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इस तीनों का हम लोग एल्जेब्रिकली भी प्रूफ किए और ग्राफिकली भी प्रूफ किए। एग्जाम में अक्सर ग्राफिकली क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ मोशन को, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको प्रूव करने के लिए आता है। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जिससे हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं क्लास नाइन्थ का, यानी कि इस तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, जिसमें कि केवल पांच क्वांटिटी हैं, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, अब क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो भी पार्ट उसमें गिवन होगा, जो दिया हुआ होगा, उस पार्ट्स को लिखने हैं, जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से जो इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड या जो भी पार्ट्स होंगे वो दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग सिम्बॉल के साथ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सबको कोशिश ये करना है कि सबका सब ऐसा यूनिट में हो, और यदि ऐसा यूनिट में ज़्यादा बड़ा नंबर या छोटा नंबर है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना मुश्किल लग रहा है, तो सारे के सारे क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि उसको ऐसा यूनिट में चेंज करना, तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए,
फॉर्मूला जो गिवन दिया हुआ है वो लिखना है, और उसके बाद जो भी फॉर्मूला यूज होगा इस तीनों का, उस तीनों में से जो भी फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूला का यूज करना है, और यूज करते हैं फिर उसके बाद जो भी क्वांटिटी हम लोग को चाहिए जो अननोन है वो हम लोग को फाइंड हो जाएगा। तो इससे हम लोग सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है सर्कुलर मोशन और कुछ न्यूमेरिकल्स इसको सॉल्व करने को, तो वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।